Yes, our next topic is investment fluctuation reserve. इसका पर्पस क्या है? जो ये रिजर्व है ये क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, फर्म्स प्रॉफिट, राइट? एंड पर्पस टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो ये इसका पर्पज़ है. अब जैसे कोई इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, मतलब ए और बी दो पार्टनर है, इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, 4 लाख का, ठीक है, और इन्होंने 2 साल पहले करा था और 2 साल के बाद इन्होंने सोचा कि भाई अपना जो रेशो है वो चेंज कर लें, तो मे बी ये जो 4 लाख की वैल्यू है ये क्या हो जाए, ये सेम रहे, क्या क्या हो जाए, हायर या क्या हो जाए, लेस देन बुक वैल्यू, हायर देन बुक वैल्यू एंड सेम देन बुक वैल्यू. ठीक है, जैसे कि पहली कंडीशन में तो क्या था, 4 लाख ही रहा, सेकेंड में सपोज करो ये हो गया 4,20,000. ये क्या है, मार्केट वैल्यू है, ये क्या है, मार्केट वैल्यू, और ये भी हो सकता है कि 3,80,000 रह जाए, ये कंडीशंस है. तो पार्टनर्स इन फ्यूचर, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है इसकी वैल्यू मान लो गिर जाती है, लेस हो जाती है, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए वो एक रिजर्व बनाते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट. ठीक, अब सपोज करो इन्होंने जो रिजर्व बना रखा था वो बना रखा था 30,000 का. ठीक है, अब पहली कंडीशन है, यानी 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 4 लाख की बुक, मतलब ये इसकी बुक वैल्यू है और इसकी ये मार्केट वैल्यू है, सॉरी मार्केट वैल्यू है ना, और इसकी मार्केट वैल्यू ये हो गई, ठीक है ना, ये तो बुक वैल्यू 4 लाख और मार्केट वैल्यू ये है कि यानी सेम ही रही आफ्टर 2 ईयर्स, और इसकी जो वैल्यू है वो 420 हो गई और इसकी जो वैल्यू वो कितनी हो गई, 380 हो गई. मतलब तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन में जा सकता है ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट. तो यहाँ पर इस रिज़र्व को कुछ भी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस कंडीशन में पूरा का पूरा रिज़र्व कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. अब यहाँ पर हमारा रिज़र्व 30,000 सेफ है, कहीं कोई लॉस नहीं है, उल्टा 20,000 का प्रॉफिट और हो गया, तो जो ये 30,000 तो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये 20,000 भी जाएगा. ठीक, और ऐसे ही मान लो इसकी जो मार्केट वैल्यू 380 रह जाए, तो 20,000 से घट गई, तो वो 20,000 जो 20,000 है वो एडजस्ट होगा अगेंस्ट 30,000 एंड जो रिमेनिंग 10,000 बच जाएगा विच इज़ ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. समझ आ गई बात? अब इसका अपन कैसे करेंगे, इसकी एंट्री समझ लो आप. फर्स्ट कंडीशन है बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम है, तो अपन क्या एंट्री करेंगे, तो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा बीइंग रिजर्व ट्रांसफर्ड. ठीक है, सेकंड कंडीशन है मार्केट वैल्यू लेस देन ऑफ
बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि यानी 4 लाख, तो ये बुक वैल्यू है, और इन जो ये 3,80,000 ये क्या रह गई इसकी, मार्केट वैल्यू रह गई। तो अपन क्या करेंगे, तो इस टाइम अपन एडमिशन करेंगे, वो इसका एडजस्टमेंट करेंगे, वही आपका इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, रिजर्व, अकाउंट, डेबिट। ठीक है, सपोज करो रिजर्व में 30,000 ही है, अपन 30,000 तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, और अब यहाँ पर लिखेंगे अपन टू इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट का कितना अमाउंट कम हुआ, 20,000, तो 20,000 तो यहाँ चला जाएगा इसमें से, और जो रिमेनिंग 10,000 है, दिस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। समझ आ गया, दोबारा समझो कि आपका जो फ्लक्चुएशन रिजर्व में अमाउंट था वो था 30,000, राइट, और आपको लॉस हुआ है 20,000 का आपके इन्वेस्टमेंट में, तो 20,000 तो इन्वेस्टमेंट में यहाँ से ट्रांसफर कर लेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट तो अपन को एट एनी कॉस्ट 4 लाख को मेंटेन करके रखना है, तो 20,000 तो अपन ने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, आपका हो गया पूरा 4 लाख, और जो रिमेनिंग अमाउंट है विच इज़ ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो, इज दैट क्लियर। थर्ड कंडीशन है, वो है थर्ड कंडीशन, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, सपोज करो अपना 4 लाख का इन्वेस्टमेंट था, दिस इज बुक वैल्यू, और जो इसके वैल्यू हो गई है 4,30,000 हो गया, एंड दिस इज आवर मार्केट वैल्यू। ठीक है, कैसे एंट्री करेंगे, अब आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसका तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो तो एज इट इज़ कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये तो आपका एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, और जो ये प्रॉफिट हुआ ना 30,000 का, ये जो 30,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, इस प्रॉफिट को अपन ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, क्योंकि 4 लाख का अपना इन्वेस्टमेंट है, 30,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो जब भी कोई असेट्स इंक्रीज होते हैं तो अपन डेबिट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एंड टू ये तो पूरा 30,000 से बढ़ जाएगा ना, एंड टू आपका हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये 30,000 से हो जाएगा, ये वाला 30,000 है भैया। ठीक है, और उसके बाद ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो आप लिखोगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बीइंग प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरह से अपन इसके एंट्रीज करेंगे। अब इसका एक क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका है 28, क्वेश्चन नंबर 28 नई बुक का है ये, यहाँ पर ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 28 है, ए बी एंड सी 4:3:2, राइट, और इनके जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा वो होगा 2:3:4, अपन को उसकी तो ज़रूरत है नहीं। अब आप आ जाओ इसके जो फर्स्ट कंडीशन है, केस फर्स्ट, इफ देर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, तो अपन रिजर्व का अमाउंट क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ IFR अकाउंट डेबिट, एंड टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, एंड टू C's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अपना जो रिजर्व का अमाउंट है एज इट इज़ वो कितना है, 54,000 है, 54,000 इंटू 9, तो ये जाएगा 24,000
छत्तीस, अठारह, अठारह हज़ार और बारह हज़ार। ठीक है, फर्स्ट केस तो ये हो गया। सेकंड केस में क्या एंट्री होगी? इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख, मार्केट अपना जो 6 लाख ही अपना उसकी बुक वैल्यू है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सेम ही एंट्री होगी इसके अंदर भी, है ना। यानी कि सेम एंट्री फर्स्ट जैसी एंट्री होगी। और थर्ड कंडीशन में क्या करना है अपन को, देखो आप, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,09,000, तो हमारी बुक वैल्यू कितनी थी 6 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 5,91,000, तो लॉस कितना हुआ 9,000 का, है ना। तो अपन क्या एंट्री करेंगे, देखो आप, वर्कमैन कम वो ये वर्कमैन कहाँ से आ रहा है, IFR अकाउंट डेबिट, इसमें कितना अमाउंट था अपना 54,000 था, तो 9,000 तो कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट में, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000, और जो रिमेनिंग है वो कहाँ चला जाएगा, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। पैंतालीस हज़ार बचा, 45,000 × 4,145, तो 20,000 तो इसकी में आ जाएगा, 15,000 इसकी में और 10,000 इसकी में। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड की एंट्री होगी, है ना। यानी 50 इसको तो आपको डेबिट करना ही करना है, जो आपका लॉस हुआ वो 9,000 वो टू इन्वेस्टमेंट करके अपन डाल देंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसको अपन कहाँ डाल देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला केस है अपना वो केस है अपना फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या है, अपनी जो बुक वैल्यू है दिस इज 6 लाख एंड मार्केट वैल्यू कितनी है अपनी 5,28,000। ठीक है, तो कितना लॉस हुआ 72,000 और रिजर्व कितना है अपना 54,000। ठीक है, तो बाकी का अमाउंट कहाँ से लेंगे अपन, 18,000 रुपये कहाँ से लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, यानी जो भी लॉस और प्रॉफिट होगा अपना, यदि मान लो रिजर्व से ज़्यादा जा रहा है तो कहाँ से लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो क्या एंट्री करेंगे, देखो अगेन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, 54,000, और मैंने आपसे कहा कि 18,000 कहाँ से लेने अपन को, रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेने, लॉस अपना डेबिट होता है। अट्ठारह हज़ार अपन ने यहाँ से ले लिए, समझ आ गई मेरी बात। और टू अब अपन को क्या करना है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट पूरा का पूरा 72,000 यहाँ चला जाएगा, क्योंकि लॉस कितने का हुआ है अपन को 72,000 का इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, इसके बाद ये रिवॉल्यूशन अकाउंट कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो अपन एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर कौन है इसमें, आपका एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन में कितना गया था 18,000 विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4,3,2, तो 18,000 इंटू 4/9, तो 8,000, 6,000 एंड 4,000। ठीक है, तो ये लॉस इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, फोर्थ कंडीशन हो गई। इसके बाद आपकी फिफ्थ कंडीशन है, इसकी एंट्री अपने ऐसे करेंगे, आपका जो फिफ्थ केस है, आपका बुक वैल्यू है 6 लाख
एंड मार्केट वैल्यू है आपकी 6,60,000, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ 60,000, ठीक है। यानी आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो गया है ना, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे आप, देखो सबसे पहले तो अपना इसका IFR पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो IFR को तो आप सीधा सीधा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल दो। IFR अकाउंट डेबिट 2A एंड 2B एंड 2C, ए इज़ कैपिटल एंड बी इज़ कैपिटल, क्या आया था इसका अमाउंट 24,000, 18 एंड 12,000 जो पहले एंट्री में हुआ था ना अपना, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। अभी जो 60,000 है ये कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो पहले तो आपको रिजर्व ट्रांसफर करना है, देन आफ्टर जो इसका प्रॉफिट है उसको कहाँ डालना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो कैसे करेंगे अपन, अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है तो अपन इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे। अकाउंट डेबिट कितने से इंक्रीज हुआ, 60,000 से, ठीक है। और ये कहाँ चला जाएगा आपका, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। देन आफ्टर ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस में ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आप एंट्री करोगे इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल अकाउंट एंड 2 सीज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो आपका कितने से बढ़ा था, 60,000 से बढ़ा था। इसको बांटेंगे अपन वही अपना 4:3:2, ये तो पॉइंट्स में आएगा क्या, सिक्सटी थाउजेंड इंटू, बेटा ये पॉइंट्स में आएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट में आएगा, आप इसको पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना इसके अंदर, ठीक है। ये आएगा आपका 9,54, ये आएगा 26,668, और ऐसे ही आप और होकर निकाल लेना ना बेटा, वो आप अपने इसके कैलकुलेशन करके निकालना, यानी कि ये भी 4,32 में ही बटेगा, ठीक। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जरा फोर्थ वाला एडजस्टमेंट आप ढंग से समझ लो, बाकी तो सारे सिंपल है कि यदि आपका बुक वैल्यू से ज़्यादा मार्केट वैल्यू है तो आप पहले रिजर्व को ट्रांसफर करोगे, देन आफ्टर इसका जो प्रॉफिट है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, फिर इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यानी इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया, देन आफ्टर इस रिवैल्यूएशन को कहाँ ट्रांसफर किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। डायरेक्ट नहीं करना ये, है ना। तो अपन यहाँ लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो ठीक है, अब आप इसके हिसाब से क्वेश्चन करना, जो भी डाउट है वो आप मुझे ग्रुप में क्वेश्चन नंबर लिखकर भेज देना।